वी हैव क्वेश्चन हेयर के एन आयरन कोर ऑफ कॉइल 2 हेनरी एंड 50 ओम्स इज प्लेस्ड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 450 ओम्स एंड एसी सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल एंड फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। सो यहाँ पे हमें गिवन है एक कॉइल है मीन्स एक इंडक्टर है जो कि है 2 हेनरी का और जो उसके साथ रेजिस्टेंस ऐड है वो है 50 ओम्स की और ये पूरी चीज़ एक सीरीज़ में लगी हुई है एक और रेजिस्टेंस के साथ जो कि है 450 ओम्स की। एक एसी सप्लाई के साथ ये कनेक्टेड है जिसकी सप्लाई है 100 वोल्ट्स और 50 हर्ट्स उसकी फ्रीक्वेंसी है एसी सप्लाई की। हमें मालूम करना है करंट इन द सर्किट, सर्किट के अंदर क्या करंट फ्लो हो रहा है वो, और साथ ही साथ फेज एंगल जो है वो हमें मालूम करना है इस सर्किट में जो फ्लोइंग करंट है उसके अकॉर्डिंगली। सो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है हमारा डेटा बना लेते हैं। वी हैव सबसे पहले यहाँ पर हमें गिवन है इंडक्टर की वैल्यू, इंडक्टर है हमारे पास 2 हेनरी का और रेजिस्टेंस जो है हमारे पास 2 गिवन है तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स 50 प्लस 450 तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी हो गई, वो हो गई 500 ओम्स की। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स इज 50 और जो वोल्टेज है इटसेल्फ सोर्स का वो कितना है 100 वोल्ट्स है। हमें दो चीज़ें मालूम करनी है, एक करंट मालूम करना है इस सर्किट का, ठीक है राइट, और जब कुछ नहीं होता एसी में तो हम उसको आरएमएस मान के चलते हैं, और नंबर 2 पे हमें मालूम करना है फेज एंगल फाई। सो वी हैव हमें क्या मालूम करना होगा यहाँ पे, सबसे पहले हमें मालूम करना होगा एक्स एल। फॉर एक्स एल वी हैव एक्स एल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। सो एक्स एल अपनी जगह पे है, ओमेगा इज 2 पाई एफ और एल सब कुछ हमें गिवन है, हमने जस्ट वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट करनी है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे, इट विल बी 2 राइट, इट विल बी 2 पाई एफ की वैल्यू है हमारे पास 50 और एल है हमारे पास 2 तो यहाँ से हमें एक्स एल की वैल्यू मिल जाएगी सिंपली जो कि होगी 628 ओम्स। अब हम निकालेंगे जेड फॉर इम्पिडेंस क्योंकि हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस भी है हमारे सर्किट में इंडक्टर भी है। सो जेड बराबर होता है किसके, जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर राइट। सो जेड बराबर है किसके, अंडर रूट 628 का स्क्वायर प्लस आर इज 500 तो ये हो गया हमारे पास 500 का स्क्वायर। सो जेड विल बिकम हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा तकरीबन 803 ओम्स। नाउ अब हम मालूम कर सकते हैं आरएमएस, आईआरएमएस यानी कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो अब हम मालूम कर सकते हैं क्योंकि वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है और यहाँ पे आर रिप्लेस करेगा जेड, रिप्लेस करेगा आर को। सो हमारे पास जो आई आर एम एस है वो बराबर होगा किसके, वी आर एम एस अपॉन जेड के। सो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू वी की वैल्यू हमें गिवन है 100 और जेड हमने अभी निकाला है 803 तो हमारी जो करंट की वैल्यू आएगी यहाँ पे आई आर एम एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे तकरीबन 12.45 मिली एम्पेयर, एक्सपोनेंट -3 में जो है ये वैल्यू आएगी तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है तो पहला आंसर हमारा आ चुका है। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट वी हैव फेज एंगल, फेज एंगल फाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स जो भी हमारे पास कंपोनेंट लगा हुआ है विच इज एक्स एल डिवाइड बाय
जो हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है रेजिस्टेंस का, वो है आर, राइट। हमें इन दोनों की वैल्यू पता है, यहाँ पर मैं एक बार और मेंशन कर देता हूँ, ये रहा हमारा आर और ये रहा हमारा एक्सएल। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ एक्सएल की वैल्यू है 628 और आर की वैल्यू है हमारे पास 500, राइट। टोटल आर जो है वो हमने यहाँ पर रख दिया है, तो 628 डिवाइड बाय 500, इस तरह जब हम डिवाइड करेंगे और इसका 10 इनवर्स निकालेंगे तो वी विल हैव 51.5 डिग्री। तो ये आंसर होगा हमारा फेज एंगल का, एंड दैट्स अवर आंसर।